सबसे पहले आज की अच्छी बात ये देखें जी, जिस जगह मैं खड़ा हूँ कितना कमाल का व्यू है, देखने को तो काफी मजेदार लग रहे हैं। ये सी भाई चुप रहे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले आज की अच्छी बात, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मेरा बंदा जमीन भर गुनाह करके भी मेरे पास आए, आके तौबा करे, अस्तगफार करे और इस इरादे से तौबा करे कि आगे से गुनाह नहीं करूँगा तो मैं उसको भी बख्श दूंगा। हेलो जी, कैसे हैं सब? तो शुरू करते हैं आज का ब्रांड न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, हैव अ सुपर डुपर डे। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सब पे अपनी करोड़ हर रहमत नाजिल करे, सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जिसने अभी तक मिस्टर उस्मान 007 व्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब करके आओ और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी किया करो यार, मेहरबानी तुहाडी। जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उन भाई बहनों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। ये देखे जी मेरा उनको सलाम, लव यू। ये देखें जी, जिस जगह मैं खड़ा हूँ कितना कमाल का व्यू है। जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे दरख्त ही दरख्त आते जाएंगे और यहाँ पे मजा ही मजा है, ठंडी हवा चल रही है और देखे कमाल का व्यू है। ये देखे सारे दरख्त ही लगे हुए हैं, कुदरती माहौल। ये देखें कितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी, दरख्त ही आपको नजर आएंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ दुकान पे, दुकान पे जाके होती है आपसे गपशप। A few moments later. लो जी, पहुंच चुका हूं मैं दुकान पे। आज बाहर गर्मी की शिद्दत भी ज्यादा है और दुकान पे आया हूं तो लाइट भी गायब है। वापडा वाले तो खुदा दा वास्ता कुछ ख्याल कर लो, कुछ रहम कर लो साडे हाल ते। यकीन करो लाइट ना हो तो काम करने को दिल ही नहीं करता, क्योंकि कुछ मौसम ऐसा है कि पसीना ही खुश्क नहीं होता सारा दिन, और ऊपर से लाइट भी चली जाए तो फिर आपको पता ही है क्या हालात हो जाते हैं बंदे के। बाकी अब दुकान लगाते हैं फिर करते हैं आपसे गपशप। लो जी, लंच का टाइम हो चुका है तो आज मैंने मंगवाया है चिकन कढ़ाई, साथ रायता, सलाद, रोटियां और ये मुझे गिफ्ट आया है जी फातिमा किचन वालों की तरफ से, फिरनी। उन्होंने कहा जी खाने के बाद कुछ मीठा भी होना चाहिए। बात तो सही है, ये तो उन्होंने मुझे ये साथ गिफ्ट भेजा है, शुक्रिया जी आप लोगों का। अभी खाना खाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज खाना खाते हैं। बहुत मज़ेदार बनी है कढ़ाई। आप भी कहते होंगे उस्मान भाई आप सिर्फ फातिमा फूड वालों की तारीफ ही करते रहते हैं, कभी आपने उनको बुरा नहीं कहा कि ये खाना अच्छा नहीं बना। भाई वो बनाते हैं हर चीज़ अच्छी है तो मेरा दिल करता तारीफ करने को, जो अच्छा है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। ये देखें जी फिरनी, आज जिसने खानी है। वैसे मैंने सुना है कि फिरनी को खीर की सिस्टर कहते हैं, क्या ये बात सच है? अगर सच है तो कमेंट में बताएं। बेशक अल्लाह हर चीज़ पे कादर है, कोई पता नहीं था, कोई नामो निशान नहीं था कि बारिश हो जाएगी। धूप निकली हुई थी, सख्त गर्मी थी, आज हबस था और एकदम से काली घटाएं आई हैं और ये देखें बारिश बरसना शुरू हो गई है। अल्लाह की रहमत बरस रही है, बेशक अल्लाह जब चाहे जो चाहे कर सकता है, हर चीज़ उसके बस में है। ये देखें जी, और बारिश भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की शुरू हुई है, थोड़ी नहीं है। अच्छा भला मौसम चेंज हो गया एकदम से। चलें अब बारिश में इंजॉय करते हैं, आप भी मेरे साथ करें यार। ये आपको एक और चीज़ दिखाऊँ मैं आज, ये ऊपर हमारी छत है ना दुकान की, ये फर्श की छत है, सीमेंट की बनी हुई है लेकिन थोड़ी थोड़ी मिट्टी इकट्ठी थी इधर, तो ये बारिश हुई है तो ये देखे पौधे निकल आए हैं। कमाल नहीं हो गया, थोड़ी थोड़ी मिट्टी थी उसमें से पौधे निकल आए हैं यार। और ये देखे बारिश में पौधे भी नहा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ठीक है। यानी बारिश को तकरीबन हर बंदा, हर जानवर, चरिंद परिंद, हर कोई इंजॉय करता है यार। ये देखें जी एकदम से वो सूरज भी निकला हुआ है सामने, देखें कुदरत रब की, देखें सूरज भी निकला हुआ है और बारिश भी हो रही है। शाम के 5:30 बज चुके हैं और बारिश रुक चुकी है, तो अभी अम्मी की कॉल आई है कि आप ही आई है तो कुछ सामान दे दो, तो मैं जा रहा हूँ घर सामान देने। A few moments later. घर सामान पकड़ा के वापस दुकान पे आ चुका हूँ। अच्छा रास्ते में मुझे ना एक दोस्त मिला इधर, कहता जी उस्मान भाई कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं सबसे मुनफरा नजर आऊँ। मैंने कहा जनाब मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा आप सबसे अलग दिखोगे। तो उस्मान भाई जल्दी जल्दी बताओ यार, मैंने कहा गर्मी का मौसम है आप स्वेटर पहन के घुमा करो सबसे अलग नजर आओगे। आप बताएं मैंने उसको सही मशवरा दिया या नहीं, कमेंट में बताना। चलो आज आपसे कुछ फनी खट्टी मीठी बातें हो जाए। दुनिया का कोई भी डॉक्टर वो टांग सही नहीं कर सकता जो रिश्तेदार बीच में अड़ाते हैं। दूसरों की प्लेट में पड़ा हुआ समोसा और सेल्फी लेते वक्त अपना चेहरा हमेशा बड़ा ही लगता है। सर्दियों का सबसे बड़ा मसला
छाव में बैठो तो ठंड लगती है, धूप में बैठ जाओ तो मोबाइल की स्क्रीन ही नजर नहीं आती। यही नहीं, अभी और सुनिए। दर्द क्या होता है उस आदमी से पूछो जिसका मोबाइल गुम जाए और मोबाइल साइलेंट पे लगाओ। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी बस दो दिन की है, जुमा और इतवार, बाकी दिन तो बंदा जलील ही होता रहता है। लो जी, आज के दिन के लिए इतनी ही फनी बातें काफी हैं। पसंद आई तो कमेंट में बताना, बाकी अब दुकान बंद करनी है थोड़ी देर तक, तो फिर घर जाना है, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्या प्लान है। छोटे भाई की आई है कॉल कि उस्मान आते वक्त घर में बर्गर लेते हैं ना मेरे लिए, अंडा शामी वाला। तो बर्गर का नाम सुन के मेरा भी दिल कर पड़ा है, मैंने कहा एक लेके जाना है तो दो ले जाते हैं, मैं भी खा लूंगा। बहुत तेज हो रहा है। ये देखें जी भाई, हमारे लिए तैयार कर रहे हैं अंडा शामी वाला बर्गर। ये किस किस को पसंद है कमेंट में बताएं। देखने को तो काफी मजेदार लग रहे हैं, अब खा के चेक करेंगे कैसे हैं। तो जो जड़ा वाला मिलते हैं भाई की दुकान का, एक दफा विजिट जरूर करें। मैं एड्रेस बता देता हूँ, सरमे चौक को जो सड़क अंदर को आती है उधर भाई की दुकान है, ठीक है जी। इधर से आके बर्गर लाजमी खाया करें। ये इन भाई से इनकी दुकान का नाम पूछते हैं, एड्रेस पूछते हैं। भाई क्या नाम है आपकी दुकान का? भाई मेरी शॉप का नाम अलखैर बर्गर एंड शवारमा पॉइंट, ये सलमा चौक बट स्वीट के पास, बट स्वीट के बिल्कुल सामने है। One hour later. लो जी, आ चुके हैं हम उसी पार्क में जहाँ हमारा जीना मना लिखा हुआ है। सारी टीम पूरी आज फिर, अभी मैं मिलवाता हूँ सबसे। ये हमारे बब्बर शेर बैठे हुए हैं, चौधरी सीफ साहब। ये बैठे हुए हैं जी विलन मलकू डीजे साहब। ये बैठे हुए हैं जी फिल्म स्टार शियान साहब। ये बैठे हुए हैं दोनों गंजे, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ। डीजे भाई एक बात बताएं। जी सर। हम लवली भाई के पास अभी गए थे। हाँ जी। तो लवली भाई ने सीफ के बारे में क्या कहा? लवली ने कहा, लवली भाई कहता कहता चमकाड़ या कुड़ियां लेई फिरदा वे नाल। ये देखे जी सीफ भाई चुप रहे, ये चेक करें इसके काम। मैं नहीं खेल रहा, बस हवा निकल गई। इसको कहा उसने, ये चेक करें जी। मैं नहीं खेल रहा इस गेम में, बहुत गंदी गेम है। ये देखे जी दोनों हम सिर बैठे हुए, एक और दो बैठते भी कट्ठे हैं। ये होता है प्यार। काफी ज्यादा शुगर मेला लगाने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस। रात का टाइम भी काफी हो चुका है, 12 बजने वाले हैं, तो अब घर जाके करते हैं आराम। आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे खत्म। एहे रहा नहीं जाता, परसों दी भी रहंदी है ले। बड़ा हरामी हो तो आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे खत्म, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना, आबाद रहना। लव यू। खत्म। बाय बाय टाटा।